नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। मैं हूं विपुल सिंह, हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 2 बज चुके हैं और ठीक 2 बजते ही हम हाजिर हो जाते हैं आपकी तमाम वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए। और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। और शेयर बाजार में गिरावट जो है थमने का नाम नहीं ले रही। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी हम देख रहे हैं बाजार में सुस्ती ही देखने को मिल रही है। आज निफ्टी खुला था 17,591 के स्तर पर और 599 का यानी 7-8 अंक ऊपर जाकर के ही जो है वहाँ पे हमने देखा कि बाज़ार में फिर गिरावट देखने को मिली। 17,423 ये आज का लो है और उसी के आसपास बाज़ार कारोबार कर रहा है। 17,447 ये स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। अब बाज़ार में और कितनी गिरावट बाकी है ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब हमने इस कारोबारी सत्र की शुरुआत की थी सोमवार को, तब हमारे साथ नितेश पावस्कर जी ने कहा था कि आने वाले समय में 17,200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और 17,423 का स्तर आज देखने को मिल चुका है। तो क्या अभी 100-200 पॉइंट और बाकी है गिरावट का, या यहाँ से बाउंस बैक करेगा बाजार? कौन से शेयरों में खरीदारी करें, कहाँ से अभी दूरी बना लेनी चाहिए? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर अगले एक घंटे में हम समेटने की कोशिश करेंगे। आपका भी कोई प्रश्न है तो हमसे पूछिए। 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके ज़रिए आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है। अपना सवाल जो है विस्तारपूर्वक लिखें, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, क्या नज़रिया है आपका, शॉर्ट टर्म का है नज़रिया या फिर मध्यम अवधि का या लंबी अवधि का नज़रिया है, तो उतने ही विस्तार से हमारे जो आज के एक्सपर्ट होंगे वो आपको जानकारी भी देंगे। मेल के ज़रिए भी आप प्रश्न अपना भेज सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, मेल कर रहे हैं तो फिर अपना जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो अवश्य मेंशन कर दीजिए, ताकि अगर आपके सवाल में कुछ अधूरापन है तो हमारी टीम आपसे बात करके उस पर विस्तार से चर्चा कर सके। चलिए, अब वक्त हो गया है आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का। और आज हमारे साथ अरुण मंत्री जी जुड़े हैं, फाउंडर हैं मंत्री फिनमार्ट के। अरुण जी, बहुत बहुत आभार अभिनंदन आपका यहाँ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और पहला प्रश्न जो है सर, वो अदानी ग्रुप को लेकर के ही होगा, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बाज़ार पर एक प्रतिक्रिया आपकी जाननी चाहेंगे कि अभी आप अपने जो क्लाइंट्स हैं, बाकी लोग हैं जो सलाह आपसे लेते हैं, उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं और कितनी गिरावट बाकी है और बाज़ार आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है? जब जब 18,100 का स्तर पहुँचता है तो लगता है कि शायद बाज़ार इस दायरे से बाहर निकलेगा, उसके बाद ही ये गिरावट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इन लेवल्स पर कैसे सजेस्ट कर रहे हैं आप? नमस्कार विपुल जी, देखिए मार्केट तो ओवरऑल डेफिनेटली बेरिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर यूजुअली आप कभी भी देखते हैं तो मार्केट में बाय ऑन डिप्स की बातें होती है, कभी भी मार्केट इंडियन मार्केट्स गिरता है तो हम भी फंडामेंटली तौर पर बाय ऑन डिप्स की सलाह देते हैं। तो आज के दिन पे हमारे क्लाइंट्स के लिए हमने एक बोल्ड कॉल डेफिनेटली लिया है, बाइंग की सलाह दी है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के आसपास है। जो 2 से 3 पैरामीटर हम देखते हैं, मेजरली FIIs की पोजीशंस देखते हैं, चार्ट और थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस का भी हम उसमें पैरामीटर इंक्लूड करते हैं। उन तीनों ही हिसाब से मुझे लग रहा है मार्केट बॉटम के आसपास है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे लग रहा है बॉटम आज या कल में या मंडे के सेशन में बन जाना चाहिए। 17,350 से 17,450 स्पेशली वो लेवल है जहाँ पे मार्केट में आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए। आज भी हमने एक बोल्ड कॉल लेके डेफिनेटली बाइंग की सलाह दी है। 17,400 तक भी आता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह दी है, और स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक भी हमने क्लाइंट्स के लिए दिया है जहाँ पे आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है मार्केट में जो ओवरसोल्ड पोजिशन है वो काफी बन चुकी है मार्केट पे, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस जरूर देखने को मिलेगा। चूंकि कल एक मेजर एक्सपायरी हो चुकी है, मंथली एक्सपायरी पोजिशन काफी लाइट है, तो मुझे लग रहा है आज या कल के सत्र में कंसोलिडेशन होकर मार्केट वापस ऊपर का एक मूव जरूर देगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है करंट लेवल से शॉर्ट टर्म के लिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बाय करके चलना चाहिए। तो अरुण जी का मानना यह है कि एक जो है कंसोलिडेशन का पीरियड जो है लगभग समाप्ति की ओर है और कल तो बाज़ार बंद रहेंगे, सोमवार को यानी अगले हफ्ते आप एक बाउंस बैक जो है छोटे अवधि में देख सकते हैं। तो इस नज़रिए के साथ आप कामकाज करें। चलिए आज के पहले दर्शक से बातचीत करते हैं। अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंकित खले जी इंदौर से हैं। अंकित जी नमस्कार। अंकित जी सुन पा रहे हैं आप? अंकित जी आवाज़ मिल रही है आपको? अंकित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है अंकित जी का से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन जरा स्क्रीन पर उनका प्रश्न ले आइए ताकि हम उनके प्रश्न का निवारण जो है वो कर सके। अंकित जी से संपर्क टूट गया है। अंकित जी जानना ये चाह रहे हैं कि क्या PSU बैंकों के शेयरों में निवेश करने का ये सही समय है या अभी कुछ समय और रुकना चाहिए? तो अंकित खले जी के लिए, चूंकि अभी आपने कहा कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो करंट लेवल पे आपके पसंदीदा बैंक कौन से हैं, बैंकिंग शेयरों में आपका व्यू क्या है? क्योंकि लोगों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी देखे और पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी सुस्ती भी देख रहे हैं, तो अभी बैंकिंग शेयरों पे आपकी राय सर, और आपके पसंदीदा PSU बैंक्स जो है वो कौन से होंगे जिसकी खरीदारी की सलाह आप देंगे?
विपुल जी, चार शेयर हमने आज भी रिकमेंड किए हैं, स्पेशली बैंकिंग ओवरऑल सेक्टर से, दो पीएसयूज और दो प्राइवेट पीएसयूज में एसबीआई मुझे काफी पसंद आ रहा है। 500 520 के जो लेवल्स हैं, मल्टी वीक सपोर्ट्स है, प्लस एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के आसपास वापस एसबीआई आ चुका है, तो एसबीआई मुझे काफी पसंद है करंट लेवल से। दूसरा स्टॉक जो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 150 के आसपास के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। ये दोनों स्टॉक मुझे पीएसयू बैंक्स में काफी पसंद है। जहां तक प्राइवेट की बात है, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक तो डेफिनेटली आउट परफॉर्मर है, तो वहां पे भी आपको बाइंग करने की सलाह रहेगी। ये प्योर एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, क्योंकि ये कोई ट्रेडिंग बेट नहीं रहेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं, तो मुझे लगा एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चार स्टॉक्स आप देख सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर, आज भी हमने चारों स्टॉक पे बाइंग की सलाह दी है, क्योंकि मार्केट बॉटम के आसपास है, तो फ्रंट लाइन में बाइंग की सलाह दी है। अगर आप प्योरली एसबीआई पीएसयू पर जाना चाहते हैं, तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही करंट लेवल से आप बाई करके चल सकते हैं। चलिए, तो दो शेयर, चार शेयर आपको रिकमेंड किए गए हैं, तो अपने पसंदीदा एक दो तीन शेयर आप चुन सकते हैं उसमें। और ख़ास तौर से सरकारी बैंकों में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, अरुण जी कह रहे हैं कि दिग्गज बैंकों के साथ अभी जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाज़ार में कोई भी रिकवरी आएगी तो सबसे पहले रिकवरी जो है वो बड़े शेयरों में पहले देखने को मिलती है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ रहे हैं, और रोहन मार्कर जी हेलो बोल रहे हैं। हेलो रोहन जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? और जिमी पार्कर जी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून सर। और इस बीच प्रश्न भी भेजा गया है हमें मारुति पटेल जी ने, और अदानी पे सवाल जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरुण जी, लगातार हर रोज़ हमारे पास बहुत सारे सवाल अदानी ग्रुप पे ही आ रहे हैं, और लोग काफ़ी फंसे भी हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं अदानी विलमार के बारे में, हालांकि इन्होंने ये नहीं लिखा है कि इन्होंने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, या फिर लेना चाहते हैं, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं अदानी विलमार में क्या करें। आज भी 3.25% नीचे है, 362 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए अदानी विलमार में, क्या अगर इनके पास हैं तो क्या करना चाहिए, और ये ख़रीदना अगर चाह रहे हैं तो किन लेवल्स पे आप खरीदने की सलाह देंगे, या फिर दूरी बनाने की सलाह देंगे अभी? विपुल जी, ओवरऑल अडानी ग्रुप में तो कोई खरीदारी की सलाह अभी भी नहीं है, क्योंकि फॉलिंग नाइफ है, अभी भी कोई रेस्पाइट नीचे की तरफ नजर नहीं आ रहा। एक्सेप्ट अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स देख ले, उसमें कुछ बाउंस आया था, अगेन वापस वो रैली भी फिजल आउट हो चुकी है। तो अडानी विलमार में भी खरीदारी की डेफिनेटली राय नहीं है। अगर इनकी बाइंग है, आई डोंट नो इनकी बाइंग प्राइस क्या है, पर नीचे में जो सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है प्योरली चार्ट के बेसिस पे, वो 340 335 के आसपास है। अगर उससे नीचे जाएगा तो अगेन सेकंड राउंड ऑफ हेवी सेलिंग हो सकती है। तो अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली आपको 335 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 30 रुपए दूर है, डेफिनेटली 8 से 9% की दूरी है करंट लेवल से, पर इसका जो एवरेज ट्रेडिंग रेंज जो बना है वो 10% के ऊपर ही है। तो मुझे लगा 335 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करके चल सकते हैं। मुझे लगा कोई भी उछाल आता है, 380 400 भी लेवल मिलते हैं, तो आप अगर एग्जिट कर ले, क्योंकि अगर आपके एग्जिस्टिंग पोजिशन है, नई पोजिशन तो डेफिनेटली कोई भी स्टॉक में बनाने की राय नहीं है अडानी स्टॉक्स में। एक स्टॉक मुझे डेफिनेटली अंबुजा सीमेंट पसंद है ओवरऑल ग्रुप में, पर क्योंकि अभी ओवरऑल काफी अनसर्टेनिटी ओवरऑल ग्रुप में है, तो अभी भी हम वो स्टॉक सलाह नहीं दे रहे हैं रिकमेंड करने, बाय करने के लिए। पर ओवरऑल अडानी स्टॉक से दूर रहे। अगर आपका एडब्ल्यूएल पड़ा है तो 380 से 400 भी आता है, तो वहां पे एक बार का स्टॉक से निकल जाए। सर, अभी नया निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसकी तो बिल्कुल सलाह नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आती है, कोई पूरी माफ कीजिएगा, थोड़ी स्पष्टता आ जाए, तमाम जो एक तरीके से बादल छटे लगे हुए हैं वो हट जाएं, उसके बाद कोई स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि हर रोज़ खबरें आ रही हैं, बहुत सारी खबरों से जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे शेयर हैं, दूसरे शेयरों में पैसे लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप फंसे हुए हैं तो जैसा कि अरुण जी ने बोला कि कोई बाउंस बैक देखने को मिले, 380 400 का लेवल देखने को मिले, तो आप निकल सकते हैं। अफशा शेख जी ने हमसे यूट्यूब पर जुड़ रही हैं और पूछ रही हैं हिकल के बारे में। हिकल, इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं और 393 रुपये की इनकी खरीद है। अभी अगर हम देखें तो 362 363 के आसपास चल रहा है, आज 3% के आसपास की गिरावट है, और ये शेयर भी हमने देखा ऊपरी स्तरों से ठीक ठाक करेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। अब इन लेवल्स पे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर, इनकी खरीद जो है वो 393 रुपये के आसपास की है। ठीक है, हिकल लॉजिस्टिक जो मैंने सुना 301 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है, अगर मैंने सही सुना है, तो मुझे लगा स्टॉक तो ओवरऑल वीकनेस में है, ओवरऑल लोअर हाइज लोअर लोस बन रहे हैं, ऊपर में 375 380 का ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, उसके उसके ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं जाता कोई बड़ी तेजी की राय नहीं है। मुझे लगा नीचे में 270 280 के लेवल भी हिकल लॉजिस्टिक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपकी होल्डिंग है तो 280 के स्टॉक के साथ होल्ड करें। ओवरऑल वीकनेस जरूर है स्टॉक में, क्योंकि एक लो वॉल्यूम स्टॉक है, कभी कभी 10 से 12 दिन के बीच में एक बड़ा वॉल्यूम आता है, अगेन कोई बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता, इसलिए स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, क्योंकि अगर सेलिंग आती है तो लो वॉल्यूम स्टॉक्स में काफी बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, इसलिए 280 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 340 350 भी उछाल में मिलता है, तो आप अपनी पोजिशन से निकल जाए।
चलिए 340 350 का मिलता है लेवल तो आप निकल जाइए यहाँ पर। अभी 302 के आसपास ट्रेड करता हुआ चल रहा है। चलिए अब हमारे पास शिव बालक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव बालक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शिव बालक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम पीरो से बोल रहे हैं, भोजपुर बिहार से। भोजपुर बिहार से, बहुत अच्छी बात है सर। लिट्टी चोखा पसंद है आपको? जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर आप? सर हम LIC एडवाइजर हैं। हाँ, LIC का क्या है? एडवाइजर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहे थे सर कि IRFC मेरे पास 31.98 रुपए के रेट से खरीदा हुआ है। IRFC किस भाव पे लिया आपने? 31.98 रुपए। मोरपेल लिया है 27 रुपया पे। अच्छा अच्छा। और आपका अडानी लिया है 17.12 रुपया पे। 17 रुपए पे अडानी? कौन सी कंपनी? 1712 रुपया में अदानी इंटरप्राइजेस। जी जी जी। चलिए तो मतलब इस गिरावट में भी आप मतलब जो है अदानी ग्रुप में खरीदारी कर रहे हैं। चलिए आप पूछते हैं, यहाँ पे इन्होंने अडानी 1700 पे जब इन्होंने देखा काफी करेक्ट हो गया है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है निचले स्तरों पे खरीदारी करने की सोची, लेकिन हालांकि हमने देखा उसके बाद भी लोग नुकसान में हैं। और 1712 की इनकी खरीद है अडानी इंटरप्राइज की। IRFC इन्होंने ले रखा है 31 पे, अभी 28 के आसपास चल रहा है। और एक मोरपेन लैब के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। इन तीनों कंपनियों को किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? और अभी 1300 के आसपास चल रहा है अडानी इंटरप्राइजेज, और इनकी खरीद से तो खैर अच्छी खासी गिरावट है, 300-400 रुपए। लोअर लेवल पे खरीदने पर भी इनकी करीब 400 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। देखिए विपुल जी, तीनों शेयरों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो IRFC मुझे काफी पसंद है, टेक्निकली भी अच्छा है, इवन फंडामेंटली भी स्टॉक काफी बेहतर है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए थे। तो IRFC को तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। अगर से यहाँ से 4-5% की गिरावट भी आती है तो और ऐड करें तो IRFC में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी प्रॉब्लम इनको नजर आएगी, इनके प्राइसेस के ऊपर जरूर जा सकता है। मोरपेन लैब से एग्जिट करने की राय रहेगी, कोई बड़ा उछाल मुझे करंट लेवल से देखने को नहीं मिलता, 1-2 रुपए की बाइंग के नीचे है, तो मोरपेन लैब से जरूर एग्जिट करें। अडानी एंटरप्राइज में मेरी अगेन वही सलाह रहेगी जो मैंने शुरू में कहा, 1450-1500 के लेवल पे के भी बाउंसर्स आते हैं तो वहां पे एक बार का निकल जाए, क्योंकि ऊपर में सेलिंग अगेन जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि हर लेवल पे रिटेल की पोजीशंस है। जैसे जैसे स्टॉक का भाव ऊपर आएगा वैसे वैसे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, इसलिए अपने भाव तक वेट ना करें। अगर नीचे में से बाउंस आता है 1450 या 1500 के भी लेवल मिलते हैं तो एक बार का अपने स्टॉक से निकल जाए, और जब तक स्टॉक में क्लैरिटी नहीं आती या फिर कुछ क्लियर ट्रेंड आपको नजर नहीं आता जब तक स्टॉक से दूर रहे, क्योंकि वाइड मूव्स आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 1500 के उछाल तक आता है तो वहां पे एग्जिट कर दे अडानी एंटरप्राइज। सर यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो आप निकल जाइए अदानी से तो, और IRFC लॉन्ग टर्म के लिए अरुण जी को अच्छा लग रहा है। मोरपेन लैब से निकलने की सलाह है सर? हाँ डेफिनेटली, मोरपेन लैब से भी निकलने की सलाह। लिक्विड काउंटर है, अगेन स्ट्रक्चर भी काफी वीक है, इनके बाइंग प्राइस से 1-2 रुपए नीचे है, तो ज्यादा कुछ गिरावट इनके बाइंग प्राइस से नहीं है, तो बेटर है निकल जाए। और स्विच होना चाहते हैं तो IRFC में स्विच हो जाए, उसको एवरेज कर ले, मुझे वो स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, वो वहाँ पे आप चाहें तो और खरीदारी कर सकते हैं IRFC में। चलिए भगवान जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ भगवान जी जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। भगवान जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास बोलिए। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? बैंगलोर से। बैंगलोर से। चलिए बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आज हमारी जो बातचीत है सीधे भगवान से हो रही है। क्या प्रश्न है सर आपका, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ और थोड़ा शेयर में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो शेयर में इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल पर्सनल इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हाँ बताइए सर, क्या कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे? ये प्राज इंडस्ट्रीज लिए थे मैंने 400 शेयर। प्राज इंडस्ट्रीज 400 शेयर, किस रेट पे? 413 रुपए में। अच्छा, किस रेट पे लिए सर? 413 413 पे। और क्या नजरिया है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म ही करता हूँ, लेकिन ये अभी थोड़ा एकदम से मार्केट हिल गया, पूरा डाउन आ गया, हमारे जब तो समझ नहीं आ रहा क्या एकदम से हो गया। अभी तो पूरा बाजार ही सर थोड़ा सा गिरावट में माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस पे आपको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए ये हम पूछ लेते हैं। आपका क्या व्यू है अरुण जी प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर के, 413 के भाव पर इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं? व्यू डेफिनेटली बुलिश है, ओवरऑल स्टॉक भी काफी अच्छा है, डेफिनेटली रिजल्ट्स के साथ थोड़ी गिरावट आई है, 380 से अराउंड 349 के आसपास चल रहा है, पिछले 5-6 दिन में अच्छी गिरावट आई है, पर स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, ओवरऑल अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो ये होल्ड कर सकते हैं। नीचे में 335-340 आता है तो स्टॉक को एवरेज भी करें, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा कर सकता है, तो घबराने की प्राइस इंडस्ट्रीज में कोई बात नहीं है, अगर नीचे में आपको स्टॉक मिलता है तो आप एवरेजिंग करके होल्ड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इनके बाइंग प्राइस के आसपास वापस आ जाएगा जी। चलिए तो कोई भी तेजी देखने को मिले यहाँ पर तो आपके लिए सलाह ये है कि निकल जाए तो। और इस बीच जो है यहाँ पर
अगले दर्शक के पास चलते हैं और यूट्यूब के माध्यम से धर्मेंद्र जी ने अपना प्रश्न पूछा है, उनका प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिखाया जाए। और धर्मेंद्र जी जानना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने अदानी विलमार पे फिर से सवाल आ गया, 430 के प्राइस पे 50 शेयर हैं इनके पास, 50 शेयर ले रखे हैं, 430 का भाव अगेन आपके लिए मुझे लगता है अरुण जी ने अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की है, और उनका कहना ये है कि कोई बाउंस बैक यहाँ पर मिले तो निकल जाना चाहिए 400 रुपये के आसपास अगर भाव देखने को मिलता है। क्या कुछ और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर धर्मेंद्र जी के लिए आप? बिल्कुल जी, सेम सलाह रहेगी अगेन, क्योंकि पिछले अगर दो या तीन हफ्ते का मूव भी देखें तो नीचे में 350 ऊपर में 440 तक के रेंज में स्टॉक चल रहा था और नीचे के रेंज के पास वापस आ चुका है। मुझे लग रहा है और सेलिंग आप इसमें आपको एग्रेसिव देखने को मिल सकती है। तो अगेन अगर आपकी होल्डिंग है तो लास्ट जो इसका रिजॉर्ट रहेगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 335 के आसपास है। अगर उसके नीचे जाएगा तो अगेन बड़ी सेलिंग और आपको देखने को मिलेगी। तो अगेन सेम राय रहेगी, अगर होल्ड करना चाहेंगे तो 335 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ऊपर में 380 400 ये लेवल पे निकलता हुआ मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक न्यूज में है, कोई भी बड़ी न्यूज ऊपर नीचे दोनों तरफ भी आ सकती है, तो वो चीज का आपका जरूर ध्यान रखना चाहिए। नो डाउट नेगेटिव न्यूज भी आ रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में पॉजिटिव न्यूज भी आ जाए, इसलिए तकनीकी राय प्योरली मैं दे रहा हूँ। 335 का नीचे सपोर्ट है, ऊपर में मुझे लग रहा है 400 भी आता है तो वहां पे एक बार के पोजिशन से निकल। ठीक, चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं अब सोमनाथ जी के पास, और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं सोमनाथ जी। सोमनाथ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं सोमनाथ जी? अच्छा हूँ सर। सब भालो? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं सर अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, अच्छा अच्छा, किस क्लास में? मैं अभी बीसीएस दे रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या सवाल है सर आपका? मेरा सर 5000 शेयर है 92 रुपीज के। कौन से सर, कंपनी का नाम मत बताइए। ऑन मोबाइल 92 पे ले रखा है आपने? हाँ। और क्या नजरिया है सर, कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं ऑन मोबाइल को? एक साल। अच्छा, एक साल का नजरिया है। चलिए पूछते हैं यहाँ पर क्या कुछ सजेशन आपके लिए मिल रहा है। अनुबाइल ग्लोबल, इन्होंने 92 रुपये की खरीद इनकी है और अभी नुकसान में है, जानना ये चाह रहे हैं क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पे। विपुल जी, अगेन ये इसका एक सेगमेंट जो है, यूजुअली हम इस स्टॉक को भी ट्रैक करते हैं, सेगमेंट ऑनलाइन गेमिंग का भी है इस बिजनेस में, तो उस तरह से काफी रूल्स रेगुलेशंस आने की एक से दो क्वार्टर में काफी अपेक्षा है इस सेक्टर को। ओवरऑल अगर आप देखें नजारा और मोबाइल, ये दो मेजर स्टॉक्स जो इस सेक्टर में परफॉर्म कर रही है या फिर इस सेक्टर में लिस्टेड है। जहां तक तकनीकी तौर की बात है, ओवरऑल स्टॉक स्ट्रक्चर वीक है, नीचे में 65-66 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर में 80-85 के आसपास शिप रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इनकी बाइंग ऑलमोस्ट 91 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है एक उछाल अगर आता है, 80-82 के लेवल्स भी मिलते हैं तो वहां पे से इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा एक हो सकता है न्यूज फ्लो काफी ज्यादा हो सकता है आने वाले दिनों में स्टॉक में, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस में एक फ्रेमवर्क आने की भी बातें चल रही है। तो मुझे अच्छी 80-85 भी आता है तो वहां पे एक बार का स्टॉक से निकल जाए। अगर ओवरऑल दोनों में कंपेयर करना चाहते हैं, ऑन मोबाइल नजारा में अगर ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस में रहना चाहते हैं तो नजारा एक बेहतर विकल्प रहेगा, उसका थोड़ा ओवरऑल बड़ा एक्सपोजर है। अगर और एक स्टॉक इस सत्र में इस क्षेत्र में दिखे तो डेल्टा कॉप भी काफी मुझे अच्छा लगता है करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए 80 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे निकल जाए। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। चलिए अब बहुत सारे प्रश्न जो है हमें देख रहे हैं कि आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, और अदानी ग्रुप पे लगातार सवाल है, अदानी पावर को लेकर के भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रियांशु जी का जो प्रश्न है यूट्यूब पे, पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं और ज़रा स्क्रीन पर उनका प्रश्न दिखाया जाए। प्रियांशु जी जानना ये चाह रहे हैं कि अभी इन्होंने एशियन पेंट्स को क्या ऐड कर सकते हैं, मेरे पास 6 स्टॉक हैं, 6 शेयर इन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं 2626 के भाव पर, और अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे एवरेजिंग करनी चाहिए क्या, और ओवरऑल पेंटिंग इंडस्ट्री पे आपका व्यू सर क्या होगा, और ख़ास तौर से इनकी खरीद 2686 के आसपास की है, अभी हम देख रहे हैं कि 2734 का भाव देखने को मिल रहा है, तो वहाँ ये प्रॉफिट में है और ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए विपुल जी, ऐड तो डेफिनेटली कर सकते हैं, स्टॉक काफी अच्छा है, पर थोड़ी और गिरावट का वेट करें। 2500-2550 के पास मिलता है तो बेहतर लेवल रहेगा ऐड करने के लिए, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी है और स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो कभी भी एवरेजिंग करते हैं तो नीचे के रेट पे करें। मुझे अगर 2500-2550 मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली एवरेजिंग करें। रिजल्ट्स काफी उम्मीद से कमजोर थे इस बार, इसी वजह से स्टॉक में काफी गिरावट भी आई है, पर मुझे लगा जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सभी पिकअप हो रही है, इकोनॉमी का अच्छा करने का अंदाजा लगाया जा रहा है नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में, तो हो सकता है एशियन पेंट्स के नतीजे आने वाले दिनों में भी आपको अच्छे देखने को मिले, इसलिए अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो 2525 के आसपास वेट करें। 2550 के पास आता तो वेट करें, वहां पे नीचे आता है तो आप अपने पोजिशन को आप डबल कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा आपके पास 6 शेयर है तो उसको 12 या 15 कर लीजिए, तो आपका एवरेजिंग कॉस्ट नीचे आ जाएगा। स्टॉक ओवरऑल अच्छा है तो मुझे लगा लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेफिनेटली गिरावट पे ऐड करना चाहिए।
जी चलिए अब जो है और भी कुछ एक दर्शक जो YouTube पे जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय जी का प्रश्न ले लेते हैं और उनका प्रश्न पहले जरा स्क्रीन पर दिखाया जाए। मृत्युंजय जी जानना ये चाह रहे हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी में जो है ये शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है। सर इतनी सारी कंपनियां हैं, किसी और दूसरी कंपनी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन चलिए आपका चूँकि प्रश्न है तो पूछते हैं कि यहाँ पर ये ट्रैक करते हैं कि नहीं। अरुण जी आप ट्रैक करते हैं क्या? देखिए ट्रैक तो डेफिनेटली करते हैं, पर ओवरऑल रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो तकनीकी राय तो डेफिनेटली ज्यादा इसमें देख नहीं पाएंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, ओवरऑल ऑल टाइम इसके हाई के आसपास ही चल रहा है, तो थोड़ा करेक्शन और आ सकता है। फंडामेंटली जरूर ट्रैक नहीं करते हैं, ना ही कोई इसके नंबर हमने अभी तक ट्रैक किए, पर टेक्निकली अच्छा है। इनको अगर बाय करना है टेक्निकल तौर पे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे लग रहा है 880 के लेवल तक का वेट करें। 880 के आसपास आता है तो वही बेहतर लेवल रहेगा बाय करने के लिए। 880 से 860 के पास मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है वापस 950-960 के लेवल आपको ऊपर में देखने को मिलेंगे। चूंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर कम है, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, तो ज्यादा कोई टेक्निकल कमेंट्री मैं नहीं दे पाऊंगा। फंडामेंटली डेफिनेटली कोई कवरेज नहीं है, पर अगर इनको बाय करना है तो 880 का लेवल काफी बेहतर रहेगा एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो अभी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है नहीं सर, तो आप अगर आपने प्रतिज्ञा ली हुई कि इसी शेयर में खरीदना है तो फिर आप खरीद सकते हैं। लेवल्स आपको अरुण जी ने बता दिए, बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन प्रकाश कुमार जी यूट्यूब पे पूछ रहे हैं कि अडानी पावर में 39 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 172 के भाव पर। अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों पर बहुत सवाल आ रहे हैं और अब अदानी पावर को लेकर के इनका प्रश्न है। 172 की इनकी खरीद है, अभी हम आज भी लोअर सर्किट पे है शेयर, 146.80-146.65 के आसपास चल रहा है। अब सर क्या करना चाहिए? अब हालांकि इनकी खरीद तो तब भी नीचे की है कि 170-172 के आसपास लिए हैं, बहुत लोग तो बहुत ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं। आपका व्यू अदानी पावर पे, अदानी ग्रुप पे आपने अपना व्यू रख लिया, लेकिन जो लोग ऊपर के पे फंसे हुए हैं अदानी पावर पे क्या कुछ सलाह रहेगी? विपुल जी अगेन सेम सलाह रहेगी, बीच में हो सकता 4-5 के अपर सर्किट्स लगे थे क्योंकि पावर की डिमांड बढ़ने की बातें पिछले 3-4 दिनों में चल रही थी, जिस हिसाब से गर्मी नॉर्थ इंडिया में बढ़ रही है, इवन वेस्ट इंडिया में भी अब गर्मी शुरू हो चुकी है, तो पावर की डिमांड काफी होने की रिपोर्ट्स आई थी मार्केट में। इसी वजह से टोरेंट पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड के साथ अदानी पावर में भी कुछ मूवमेंट आया था, उसी वजह से काफी रिटेल्स की पोजीशंस ऊपर बनी है 170-180 के लेवल पे, काफी नई पोजीशंस स्टॉक में भी बनी है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल जो ऊपर के पोजीशंस बने थे वो सभी ट्रैप हो चुके हैं और नीचे में मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक अगर 140 के नीचे जाएगा तो 120-115 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चल सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक उनके प्राइस से काफी नीचे है, तो 140 का स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हैं जो कि रिसेंट जो लो बनाया था कुछ दिन पहले 140 के आसपास, अगर उसके नीचे जाएगा तो अगेन बहुत बड़ी गिरावट अगेन आपको देखने को मिलेगी। तो एक सलाह यह है कि 140 का स्टॉप लॉस लगा लें और ऊपर में कोई भी उछाल आता तो एक बार का निकल जाए, क्योंकि अगर मार्केट में रिकवरी भी आएगी तो मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक उतनी तेजी से भागेंगे जितने दूसरे फ्रंटलाइन भाग। इस बीच चाशफा शेख जी का भी प्रश्न आया है और राज श्रीवास्तव जी बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, राज जी आपका प्रश्न भी अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, दर्शक काफ़ी ज़्यादा हैं। हिकल पे हम लोगों ने आशफा शेख जी का सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, हिकल के 550 शेयर 393 रुपये पे, तो इसको अभी के लिए हटा दीजिए, इस पर हमने इनका प्रश्न आशफा शेख जी का डिस्कस कर लिया है। राज श्रीवास्तव जी को का प्रश्न ले लेते हैं, रेडको खेतान का शेयर पे उन्होंने पूछा है, रेडको खेतान में क्या करें, 300 रुपये की इनकी खरीद है रेडको खेतान में, और अभी अगर हम देखें तो उनके थोड़ा सा इनको नुकसान हो रहा है रेडको खेतान में, क्या कुछ सजेशन रहेगा सर रेडको खेतान के ऊपर आपका? देखिए रेडिको का शेयर तो काफी अच्छा लग रहा है, ओवरऑल अगर आप लिकर स्टॉक्स देखें तो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, सुला भी मुझे काफी पसंद है जो कि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, वो भी वाइन्स बिजनेस में है, तो सुला भी मुझे काफी पसंद है, इवन रेडिको भी मुझे लग रहा है 1240-1250 के लेवल आपको रेडिको में भी देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक को होल्ड करें। अगर और आप ऐड करना चाहते हैं तो 1100-1120 मिलता है तो आप और ऐड करें, मुझे लग रहा है 1250 के लेवल रेडिको में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक जो न्यूज जो बजिंग थी ओवरऑल लिकर स्टॉक्स में कल, जो कि बिल गेट्स ने 5% स्टेक बाय किया हैकिंस में, जो कि एक बड़ी लिकर कंपनी है, इसी वजह से स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम है, इसलिए मुझे लग रहा है 1200-1250 के थोड़े गेंस एक्सटेंड हो सकते हैं। चलिए तो अच्छे खासे तो प्रॉफिट में है, 300 की इनकी अगर खरीद है तो अभी तो ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है, 1100-1200 का शेयर चल रहा है, मुझे लगता है काफ़ी पुरानी इनकी खरीद है। चलिए इस बीच दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रश्नों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इस बीच IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के रोहन नरकर जी ने प्रश्न किया है और इनके पास 70 शेयर हैं, 56 रुपये के भाव पर इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के लिए लिया है, और हालांकि इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है और ये कह रहे हैं कि ये 2030 तक रुक सकते हैं, यानी कि IDFC में ये करीब 7-8 साल का इनका नज़रिया है कि ये रुकना चाह रहे हैं, अभी अगर हम देखें तो 54 के आसपास चल रहा है, क्या कुछ सलाह रहेगी सर आपकी इनके लिए?
फंडामेंटली तो नो डाउट काफी अच्छी कंपनी है, प्रमोटर जो इनके हैं वो उनके नाम से ही स्टॉक ज्यादा चलता है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे, पर हेविली ओन स्टॉक है, सभी रिटेल के पोर्टफोलियोज में आपको मिल जाएगा, स्पेशली रिटेल जो रिटेल क्लाइंट जिन्होंने रिसेंटली मार्केट में एंटर किया है उनके पोर्टफोलियो में आपको IDFC फर्स्ट बैंक जरूर मिलेगा, साउथ इंडियन बैंक जरूर मिलेगा, क्योंकि लो टिकट सर्विस काउंटर और काफी अच्छा मूवमेंट भी देते हैं, तो हेविली ओन स्टॉक है इसलिए थोड़ा डर मुझे IDFC फर्स्ट बैंक में लगता है, पर इनकी चूंकि इनकी बाइंग करंट मार्केट प्राइस से 1 से 2 रुपए नीचे ही है तो होल्ड जरूर करें, मुझे लग रहा है इनके प्राइसेस के ऊपर जरूर निकलेगा स्टॉक, 50 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, नीचे में स्टॉप लॉस 4 रुपए दूर है डेफिनेटली, पर 50 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 50 के नीचे जाएगा तो इसमें कंप्लीटली लॉन्ग जो है जो सेल ऑफ है वो ज्यादा बढ़ सकता है, तो 50 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, 58 से 60 ये दो लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में जरूर देखने को मिलेंगे, स्टॉक अच्छा है पर हेवीली ओन्ड है वो एक मेजर खतरा मुझे स्टॉक में नजर आ। ठीक, चलिए इस बीच सोहेल खान साहब जी ने अपना कुछ एक शेयर लिए हुए हैं और काफी लंबी लिस्ट ली, इन्होंने लिस्ट तो काफी लंबी बना दी है, लेकिन हम चाहेंगे कुछ पे अगर आप टिप्पणी कर पाएँ। पहले तो इन्होंने विप्रो के ऊपर प्रश्न किया हुआ है, 200 शेयर 569 के भाव पे ले रखे हैं, इसके अलावा ट्राइडेंट पे भी इनकी खरीदारी है और ट्राइडेंट इन्होंने 45 रुपये के भाव पे ले रखा है, टाटा पावर इन्होंने 225 के भाव पर ले रखा है, IRCTC के 773 रुपये के भाव पर शेयर हैं, इनमें से आप किन में जो है लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, ये एक पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है, ओवरऑल आपकी इनके पोर्टफोलियो पे क्या राय है, जिसमें एक IT शेयर है विप्रो, ट्राइडेंट ले रखा है, पावर से इन्होंने टाटा पावर ले रखा है, IEX के शेयर हैं और IRCTC, ये 4-5 शेयरों पे ये जानना चाह रहे हैं कि लंबी अवधि के नज़रिए से मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ बदलना चाहेंगे इसमें आप? पोर्टफोलियो तो अच्छा है एक्सेप्ट एक ट्राइडेंट स्टॉक है जो कि ये भी अगेन मैं शुरू से यही कह रहा हूँ जो हेविली ओन स्टॉक होते हैं जो रिटेल के पोर्टफोलियो में ज्यादा मिलते हैं वहां पे मुझे ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आती, हिस्टोरिकली डेटा भी यही कहता है, इसलिए टाटा पावर जो इनका है, IRCTC जो है और विप्रो जो है वो तो काफी बेहतर है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट विप्रो में करेक्शन काफी बड़ा आया है पर डेफिनेटली स्टॉक काफी अच्छा है, इसलिए विप्रो को आप करंट लेवल पे एवरेज भी कर सकते हैं, अच्छे एवरेजिंग लेवल के आसपास विप्रो मिल रहा है, इवन आप टाटा पावर को भी एवरेज करें वो भी काफी अच्छा कर सकता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसमें उसके रिजल्ट भी अच्छे आने के अंदाजा हम लगा रहे हैं, तो टाटा पावर और विप्रो को जरूर एवरेज करके चले, IRCTC को होल्ड करें, ट्राइडेंट कोई भी उछाल आता है तो वहां से निकल जाए, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा आपको गेंस ट्राइडेंट पे मिलेगा, नीचे में 27 का पहले स्टॉप लॉस लगा के रखें, 27 के नीचे जाएगा तो उस पर भी बड़ी गिरावट आएगी, तो 4 में से 3 स्टॉक तो अच्छे हैं पर ट्राइडेंट को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, 27 के नीचे जाता है तो वहां से निकल। ठीक, इस बीच हरे राम जी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना बिहार से, हरे राम जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं हरे राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छे हैं सर। अच्छे, क्या बिहार से बोल रहे हैं, कहाँ से क्या करते हैं सर आप? जी ऐसे तो अपना एक शॉप है सर, वही दुकान चलाता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आपकी दुकान है, किस चीज की दुकान है आपकी? वो सर वहाँ ऑनलाइन सर्विसेज के काम करते हैं। अच्छा अच्छा बढ़िया, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज आप? जी जी मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा था सर कि वो PTL में लिया था जी, हाँ वो PTL करीब करीब मैं 29.10 अच्छा उस रेट में लिया था, 3 मंथ हो गया सर, 1000 शेयर है 1000 शेयर, 29 पॉइंट कितने पे लिए आपने? 10 सर 29.10, 3 मंथ बैक है। चलिए 1 साल हो गया आपको होल्ड करते हुए? नहीं 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 सर, अभी 3 मंथ। अच्छा 3 मंथ पहले, और क्या क्या नजरिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? सर उसको तो मैं होल्ड करने के लिए मैं एक्चुअल में उसके बारे में पढ़ रहा था तो देखा कि वो अपोलो टायर की सब्सिडियरी है, इस हिसाब से सर। लेकिन एक तो शेयर के साथ समस्या ये है कि वॉल्यूम बहुत कम है और 2 वीक एवरेज BSE पे वॉल्यूम 7000 शेयरों का है, बहुत लो वॉल्यूम वाले शेयर थोड़ा सा कोशिश कीजिए। लेकिन अब पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह अरुण जी की है, अभी 30-31 के आसपास चल रहा है आपको, हालांकि आप ब्रेक इवन पर ही हैं, प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे क्योंकि 29-30 की खरीद है, उसी के इर्द गिर्द शेयर चल रहा है, अब सर नुकसान में तो नहीं है, क्या होल्ड करना चाहिए इनको, निकलना चाहिए, क्या कुछ सलाह रहेगी PTL के ऊपर आपकी? देखिए एक चीज मुझे काफी अच्छी पसंद आई इनके, एक तो उन्होंने थोड़ा रिसर्च करके डेफिनेटली स्टॉक लिया है, क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने जो कहा PTL की, PTL जो है अपोलो टायर की सब्सिडियरी आप कह सकते हैं, एसोसिएशन है उनका, एक प्लांट के थ्रू ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपोलो टायर को, इनका एक जो एक प्लांट है वो लीज पे दिया हुआ है, PTL का जो प्लांट है अपोलो टायर के लिए, तो इसलिए इन्होंने रिसर्च करके डेफिनेटली लिया है, पर स्टॉक में वॉल्यूम कम है, अगेन मुझे नहीं लग रहा कोई छोटी मोटी भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, तो हमारा यूजुअली एक रूल रहता है कोई भी इलिक्विड स्टॉक में निवेश की या ट्रेडिंग की सलाह नहीं देते हैं, पर चूंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, कोई ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, तो 34-35 का तक का भी उछाल आता है तो वहां पे स्टॉक से निकल सकते हैं, स्टॉक ओवरऑल ठीक है पर मुझे लग रहा है इलिक्विड स्टॉक से बेटर दूर रहना चाहिए,
34-35 भी आता है तो वहाँ पे स्टॉक से निकल जाए। अगर आपको निवेश ही करना है, आप अपोलो टायर पे ही बुलिश है तो डायरेक्ट अपोलो टायर का स्टॉक बाई कर लीजिए, ना कि पीटीएल, क्योंकि अगर अपोलो टायर अच्छा करेगा तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट पीटीएल पे पड़ेगा, तो बेटर है आप अपोलो टायर में स्विच हो जाए। 1000 शेयर आपने ले रखे हैं, ऑलमोस्ट 30,000 का आपका स्टॉक है, तो 30,000 का जो क्लियर जो आपका अमाउंट है उसको अपोलो टायर में डाल दीजिए, वहां से ज्यादा रिटर्न मिलने की आपको उम्मीद रह सकती है। तो सर अभी आपके लिए सलाह ये है कि आप चाहें तो निकल जाइए यहाँ से, और अगर लेना ही है तो फिर आप सीधे अपोलो टायर में पैसे लगाइए, क्यों सब्सिडी में परेशान हो रहे हैं, वॉल्यूम भी कम है। इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं, हमारे साथ सोमनाथ जी जुड़ चुके हैं, कोलकाता से हैं। सोमनाथ जी नमस्कार। सोमनाथ जी सुन पा रहे हैं? सोमनाथ जी नमस्कार। सही लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन उनका प्रश्न जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए ताकि उनके प्रश्न को हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक के ऊपर इनका प्रश्न है, इन्होंने 150 शेयर ले रखे हैं, 1080 का भाव इन्होंने बताया है, अभी क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। हालांकि इनसे बातचीत हमारी हो नहीं पाई कि इनका नज़रिया कितने दिनों का है और कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो शेयर 1073 के आसपास चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान में तो नहीं है, 6-7 रुपये इनके भाव से थोड़ा नीचे है। एक मीडियम टर्म का व्यू अगर हम मान करके चलें अरुण जी, तो क्या सलाह रहेगी आपकी हरिराम जी के लिए, अभी माफ़ कीजिएगा सोमनाथ जी के लिए, और 1073-74 के आसपास चल रहा है अभी? जी शुरू से मैंने कहा मेरा व्यू जो करंट लेवल जो मार्केट है यहाँ से डेफिनेटली बुलिश है, यहाँ से मैं सेलिंग की राय डेफिनेटली क्लाइंट्स को हम सुबह से भी नहीं दे रहे हैं। नो डाउट मार्केट नीचे है आज भी, पर आज सेलिंग की या फिर नए शॉर्ट्स बनाने की राय नहीं दे रहे। बैंक निफ्टी निफ्टी पे दोनों पे ही हमारा व्यू आज से थोड़ा बुलिश मुझे नजर आ रहा है, इसलिए ओवरऑल इंडसइंड बैंक पे भी ओवरऑल बैंक सेक्टर पे मुझे लग रहा है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। इनके प्राइसेस के आसपास ही है तो मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए, वापस 1100-1140 के लेवल इनको इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट में और थोड़ी गिरावट बढ़ी ग्लोबल या किसी और रीजन से 20-30 रुपए और नीचे मिलता है तो थोड़ा बहुत और ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 1120-1140 के लेवल इनको आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेंगे। थोड़ी वोलेटिलिटी के लिए इनको जरूर तैयार रहना है क्योंकि ये फ्रंटलाइन बैंकिंग स्टॉक है, कुछ भी अगर मार्केट में उथल पुथल होती है तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक अच्छा चुना है, अच्छे लेवल पे चुना है, थोड़ा वेट करें और नीचे में एवरेजिंग करें। मुझे लग रहा है वापस 1120-1140 के लेवल इनको जरूर देखने को मिलेगी। सर इस समय अगर कोई व्यू लेना हो और कोई आपके पसंदीदा शेयर हो जो आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें, या आपको लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो बनाते समय ये कुछ एक शेयर ऐसे हैं जो पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए, वो कौन से होंगे? विपुल जी आज सुबह ही हमने ऑलरेडी मैंने 2 या 3 बार पहले भी डिस्कस किया कि आज सुबह हमने बैंकिंग स्टॉक्स पे खरीदारी की राय दी है। नो डाउट वहां से थोड़े बहुत नीचे हैं, 4 से 5 रुपए सभी स्टॉक्स थोड़े बहुत नीचे मिल रहे हैं, पर वो स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। तो 4 स्टॉक ऑलरेडी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, HDFC बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, कोटक बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ा, ये 4 स्टॉक्स मुझे पसंद है। अगर 2 फ्रंटलाइन की और बात करें, मुझे रिलायंस भी काफी अच्छा लग रहा है, करंट से रिलायंस भी काफी अच्छा कर सकता है। 1 स्टॉक जो मुझे ओवरऑल नेक्स्ट 1 से 2 महीने में काफी पसंद आ रहा है, जो कि तकनीकी तौर पर भी अच्छा है, जहां से कमेंट्री भी मैनेजमेंट की काफी अच्छी आई है, वो है वोल्टास। मुझे लग रहा है वोल्टास के स्टॉक में भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो 5 से 6 स्टॉक्स आप बाई करें, मुझे लग रहा है यहाँ से या 15 से 20 दिन का व्यू लेते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म नज़रिया है यहाँ अगर आपका है तो फिर ये जो 5-6 शेयर बताए गए हैं अरुण जी की तरफ से, आप उसमें जो है निवेश कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। अरुण जी कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल जी, ओवरऑल अडानी स्टॉक्स में काफी क्लाइंट्स की हमारी पोजीशन हो सकती है, यूजुअली अगर एडवाइस नहीं भी देता तो यूजुअली रिटेल क्लाइंट्स की यूजुअली पोजीशंस हो जाती है या फिर वो ले भी लेते हैं, तो अडानी स्टॉक्स में डेफिनेटली कोई पोजीशंस हो सकती है, अडानी के ओवरऑल ग्रुप में इवन अंबुजा इसी से भी कुछ पोजीशंस हो सकती है, और जो भी बाकी स्टॉक्स दिए उसमें भी क्लाइंट्स की हो सकती है कोई पोजीशंस, आज भी बनी हो या पुराने दिनों में ही बनाई गई हो, तो मेरी पर्सनल कोई पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और चुनिंदा पसंदीदा शेयर बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल हेलो मनी नाइन को हम समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन हाँ जिन दर्शकों के प्रश्न नहीं ले पाए हैं तो उनको बता दें हम कि सोमवार को भी हम बात शेयर बाजार की ही करते हैं, और क्या सोमवार को बाउंस बैक आएगा जैसा अरुण जी कह रहे थे, या बाजार यहाँ से और गिरेगा, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए अगले हफ्ते की, तो इन तमाम मुद्दों पर हम सोमवार को बातचीत करेंगे एक खास एक्सपर्ट के साथ। तो आप अपने सवाल भेजते रहिए, हम एकत्रित करके सोमवार को आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। 9311-21874 ये हमारा टेलीफोन नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करना है, और ईमेल आईडी भी दे रखी है money9inquiry@tv9.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। हाँ अगर आप मेल कर रहे हैं तो अपना टेलीफोन नंबर जरूर हमें भेज दीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे डिटेल में आपके सवाल को डिस्कस कर सके।
तो चलिए फिलहाल के किस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए, खासतौर से जो वित्तीय समझ बढ़ाने के लिए, मनी नाइन के साथ आप जुड़े रहिए। और मनी नाइन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत तेज़ी के साथ हमारा ये परिवार बढ़ रहा है, आप भी उसका हिस्सा बनिए। फिलहाल करिए नमस्कार।